नमस्कार दोस्तों, इंफ्रा टॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं पुणे मेट्रो से, जहां पर दोस्तों पुणे मेट्रो के ऑपरेशंस को लेकर MMRDA के द्वारा सभी प्रीलिमिनरी टास्क कंप्लीट कर दिए गए हैं। फरवरी में हमारे कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी के द्वारा इसका इंस्पेक्शन कर दिया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली इसको मार्च तक अप्रूवल मिल जाएगी। दोस्तों पुणे मेट्रो के अंतर्गत दो लाइन्स का कंस्ट्रक्शन MMRDA के द्वारा किया जा रहा है, जो भी पार्शली ऑपरेशनल है। बात करें इंस्पेक्शन के बारे में, तो सिविल कोर्ट से वनाज और सिविल कोर्ट से PCMC तक की जो दो न्यू मेट्रो स्ट्रेचर्स हैं, इनके कुछ पार्ट का इंस्पेक्शन किया जाना है। और क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी MMRDA के द्वारा ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए गए हैं, तो काफ़ी इजीली इनको अप्रूवल दे दी जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली मार्च के एंड तक या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों राजस्थान स्टेट की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। क्योंकि अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के अंतर्गत जो राजस्थान का पार्ट बन रहा है, वो मोस्टली बनकर तैयार हो गया है और मार्च 2023 तक इसको हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा खोल दिया जाएगा। दोस्तों अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की अपडेट वैसे ही काफ़ी कम देखने को मिलती है, क्योंकि इसके ऊपर काम भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लेवल पर चल रहा है। जैसे कि राजस्थान स्टेट में इसका ज़्यादातर पार्ट बनकर तैयार हो चुका है, जबकि पंजाब स्टेट में इसका प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है और पंजाब स्टेट में उतने लेवल पर काम नहीं हो पाया है जितना राजस्थान स्टेट में हो चुका है। 1224 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे हमारे देश का मतलब लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा, जो कि ब्राउनफील्ड एंड ग्रीनफील्ड दोनों का एक मिक्स होगा। 917 किलोमीटर का पार्ट ग्रीनफील्ड होगा और इसकी ज़्यादातर स्टेट जो राजस्थान स्टेट से पास हो रही है, वो मोस्टली ग्राउनफील्ड ही होगी, जो बनकर तैयार हो चुकी है। और कहा ऐसा जा रहा है कि मार्च 2023 तक इसका 400 किलोमीटर का सेक्शन ओपन कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज के द्वारा डिसाइड कर लिया गया है कि वंदे भारत ट्रेन को अब और भी फास्ट बनाया जाएगा और अभी इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है उसको 180 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करके 220 किलोमीटर पर आवर तक कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों इस साल बजट के दौरान हमारी रेलवेज के द्वारा 500 वंदे भारत ट्रेन की अनाउंसमेंट की जानी है, जिसमें 300 से 400 के आसपास वो स्लीपर क्लास वाली होंगी, जबकि रिमेनिंग चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेन होगी। चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेन राजधानी ट्रेन को रिप्लेस करेगी, जबकि स्लीपर क्लास वाले जो वर्जन होगा वो राजधानी ट्रेन के लिए एक अल्टरनेटिव होगा। और सो ऐसा नहीं है कि एक साल के अंदर अंदर ही इनकी स्पीड को 220 किलोमीटर पर तक कर दिया जाएगा। बेसिकली ये जो 500 वंदे भारत ट्रेन हमारी रेलवे के द्वारा प्रोक्योर की जाएंगी, ये अगले 8-10 सालों के अंदर अंदर प्रोक्योर की जानी है। पहला टेंडर 200 वंदे भारत ट्रेन का होगा और पहले टेंडर के अंतर्गत जितनी भी वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी उनकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर तक की होगी। जबकि उसके बाद जब दूसरे जो टेंडर जो 1-1.5 साल बाद अनाउंस किए जाएंगे, वहां पर यह प्रोविजन रखा गया है कि उनकी जो स्पीड होगी वो 220 किलोमीटर पर आवर तक इंक्रीज कर दी जाएगी। और अभी वैसे इनको इंक्रीज करने का इतना बेनिफिट भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो वंदे भारत ट्रेन है उसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर तक की हो चुकी है, लेकिन ट्रैक्स कैपेबल ना होने के चलते उनको सिर्फ 130 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से ऑपरेट किया जा रहा है। तो ट्रेन की स्पीड बढ़ाने की बजाय हमारी रेलवेज को रेल ट्रैक्स के अपग्रेडेशन पर काम करने की ज़्यादा जरूरत है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है एक न्यू एप्पल क्लस्टर से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक एप्पल क्लस्टर अप्रूव कर दिया गया है और 135.23 करोड़ पीस इसके डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे। दोस्तों एप्पल की प्रोडक्शन में ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश की लीडिंग स्टेट एंड यूटी है, क्योंकि ओवरऑल हमारे देश की एप्पल प्रोडक्शन में 70% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो जम्मू एंड कश्मीर का ही है। और अभी जो न्यू एप्पल क्लस्टर जम्मू एंड कश्मीर के लिए अप्रूव किया गया है, इसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर में प्रोड्यूस किए जाने वाले फिर ये उगाए जाने वाले जो एप्पल हैं उनको ग्लोबल फ्रूट में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें एप्पल की प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाएगा। साथ साथ प्री प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन एंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सब चीज़ों पर काम होगा। जम्मू एंड कश्मीर के शोपियां डिस्ट्रिक्ट में इसको डेवलप किया जाएगा, जिसके ऊपर बहुत ही जल्द काम भी स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए यूपी गवर्नमेंट का कारवां हैदराबाद में पहुंच गया है और यहां पर भी यूपी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर समिट को लेकर 25,000 करोड़ रुपीज़ के MOU साइन कर लिए हैं। दोस्तों यूपी की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर यूपी गवर्नमेंट काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है, और क्योंकि ये यूपी स्टेट की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी, तो यूपी गवर्नमेंट चाहती है कि इसके थ्रू यूपी स्टेट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट को इस इन्वेस्टर समिट के थ्रू 15 लाख करोड़ रुपये से ऊपर के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव हो चुके हैं, जिसमें से अराउंड 9.1 लाख करोड़ रुपये के जो प्रपोजल्स हैं वो साइन भी हो चुके हैं। और अगर आपको पता हो तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 10 लाख करोड़ रुपये का टारगेट सेट किया गया था, जो काफ़ी इजिली कंप्लीट हो गया है, और अब इस टारगेट को इंक्रीज करके 17 लाख करोड़ रुपये तक कर दिया गया है।
और 25,000 करोड़ रुपीज़ के जो MOUs हैदराबाद में साइन किए गए हैं, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट है। 25,000 करोड़ रुपीज़ में से 15,600 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा की जाएगी, जो यूपी स्टेट में 2,000 करोड़ रुपीज़ की लागत से एक फार्मासिटी बनाएंगे, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, इन सब एरियाज में इन्वेस्टमेंट आती हुई देखने को मिलेगी। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है हमारी रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज के द्वारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के 20 रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और डिफरेंट डिफरेंट फेजेस एंड टाइम इंटरवल्स में इनके रीडेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। दोस्तों अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत हमारी रेलवे के द्वारा 1000 स्मॉल स्टेशन हमारे इसके अलग अलग एरियाज में डेवलप किए जाने हैं। क्योंकि ये सभी के सभी स्मॉल स्टेशन ही होंगे तो इनका रीडेवलपमेंट भी कोई बड़े स्केल का नहीं होगा, छोटा सा ही रीडेवलपमेंट होगा। मैक्स टू मैक्स 50-60 करोड़ रुपीज़ इनके रीडेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत अमेनिटीज को बेहतर बनाया जाना है। और इस बार साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में करीमनगर, विकाराबाद, खम्मम, बिदर, वारंगल, काजीपेट, यदाद्री, रामागुंडम, इन सब स्टेशन के समेत ओवरऑल 20 स्टेशन को सिलेक्ट किया गया है। फेज़ वन में काजीपेट, जनगांव एंड यदाद्री, इन तीनों को रीडेवलप किया जाएगा और अगले फेसेस में भी ऐसे ही करके तीन तीन चार चार स्टेशन को रीडेवलप किया जाना है। 20 के 20 रेलवे स्टेशन को लेकर हमारी साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इन्वाइट कर दिया गया है, ताकि इसका मास्टर प्लान और इनकी फिजिबिलिटी के ऊपर काम स्टार्ट हो सके। बढ़ेंगे दोस्तों अगले अपडेट की तरह, उच्चों निकल कर आ रही है यूएस टेक जायंट माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी है कि वो तेलंगाना स्टेट में 3 और डेटा सेंटर्स को सेटअप करेंगे और 16,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट के साथ में ये बनकर तैयार होंगे। दोस्तों ये अनाउंसमेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग जो कि स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रही है वहां पर की गई है और इसको लेकर MOU भी साइन हो गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर 2022 में भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि वो तेलंगाना स्टेट में 3 बड़े डेटा सेंटर्स को सेटअप करेंगे और उनके ऊपर भी 16,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट ही की जानी थी। और जो 3 न्यू डेटा सेंटर और अनाउंस किए गए हैं इनके ऊपर भी 16,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट ही होती देखने को मिलेगी। तो एग्रीगेट 6 डेटा सेंटर्स के ऊपर 32,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट तेलंगाना स्टेट में करेगा। हर एक डेटा सेंटर की कैपेसिटी 100 मेगावाट और उससे ऊपर की होगी और अगले 10 से 15 सालों के अंदर अंदर ये सभी बनकर तैयार होंगे। अगली 200 अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों हमारी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा RRTS के फुल फ्लैश ट्रायल्स को लेकर सभी प्रिपरेशन कंप्लीट कर दी गई है और एक इनिशियल टेस्टिंग के दौरान RRTS ने 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर लिया है। दोस्तों साहिबाबाद से दोही के बीच में बने जो प्रायोरिटी स्ट्रेच है इसके ऊपर ये ट्रायल टेस्टिंग की गई थी। ऑफिशियली ये कोई ट्रायल तो नहीं था, स्पेसिफिकली ये एक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ट था जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करने के लिए लिया गया था, ताकि चेक किया जा सके कि इस रेल रूट पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही बनकर तैयार हुआ है या फिर नहीं। ये टेस्ट दुहई डिपो से स्टार्ट हुआ था जो साहिबाबाद स्टेशन में जाकर कंप्लीट हुआ है, जहां पर 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को इसने अचीव किया है। तो इसी के चलते आप कह सकते हैं कि इसके ट्रायल्स को लेकर जितने भी तरह के प्रीलिमिनरी वर्क्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसी महीने के अंत तक या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में इसके ऊपर फुल फ्लैश ट्रायल स्टार्ट होते देखने को मिलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली मार्च 2023 तक इसका ऑपरेटिंग ऑर्डर ऑपरेशंस भी होता हुआ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।